हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम बात करने वाले दोस्तों, जोमेटो ऑनलाइन सर्विसेज देती है, ऑनलाइन फूड सर्विसेज, आप सभी को पता है। और इस कंपनी के आज रिजल्ट थे दोस्तों, और कंपनी ने यहाँ पे अभी शॉकिंग प्रॉफिट दिखाया दोस्तों। इस Q1 में इन्होंने अभी प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है, कंपनी ने छोटा सा प्रॉफिट बुक किया है मगर प्रॉफिटेबल हो चुकी है कंपनी। ये कंपनी अगर ब्रेक इवन पॉइंट को भी आ जाती थी तो ये शेयर भागने लगता दोस्तों। अभी ये रिजल्ट मार्केट बंद होने के बाद आए तो कल के दिन इसमें आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा जोमेटो में। तो कुछ चीज़ें जान लेते हैं जोमेटो में। देखिए, एक दो नहीं, 26 एनालिस्ट काम कर रहे दोस्तों, 26 एनालिस्ट, उसमें से 65% बाइंग की राय दे रहे, 15% ऐसे है जो आउट परफॉर्म करेगा। तो बाय करेंगे तभी तो ये आउट परफॉर्म आप एंजॉय करोगे। और कुछ 4% है जो होल्ड की राय दे रहे, 8% ऐसे भी है जो अंडर परफॉर्म करेगा, और 8% तो डायरेक्ट सेल की राय दे रहे दोस्तों। तो अभी देख सकते हो बाइंग साइड पर ज़्यादा एनालिस्ट है, तो आपको यहाँ पर बाइंग ही करनी है दोस्तों। और प्राइस परफॉर्मेंस देखोगे तो ये शेयर 1 ईयर में 56% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के ले रहा है। तो ये शेयर बहुत क्रैश हो चुका था दोस्तों, और क्रैश होने के बाद अभी थोड़ी सी रिकवरी हो चुकी है। और अभी आप देख सकते हैं इसमें बिग शार्क इन्वेस्टर मिराई एसेट 1.46 और ICICI ग्रुप 1.2%, मगर इसमें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर शामिल है दोस्तों। इसमें तो प्रमोटर थोड़े और FIIs DIIs ज़्यादा है दोस्तों इस कंपनी में। तो ये कंपनी यहाँ पे लॉन्ग रन में आपको अच्छे रिटर्न बना के दे सकती है। अभी शॉर्ट टर्म व्यू से मत देखिए, अभी ये कंपनी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है कंपनी ने, अगले क्वार्टर में अगर फिर से लॉस बुक करेगी तो तब क्या करोगे? तो आपको पेशेंस के साथ यहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटी उठानी है दोस्तों। आप इसमें अगर 1 लाख लगाना चाहते हो तो पूरे 1 लाख एक ही बार मत लगाइए, छोटी छोटी अमाउंट उठाइए। और ऑलरेडी मार्केट करेक्शन में चल रहा है तो ये शेयर और करेक्ट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये नीचे की लेवल से भाग चुका है। और कंपनी का मार्केट कैप देखिए, 74,471 करोड़, लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है दोस्तों। और इसका पी देखिए बहुत हाई पी है दोस्तों, 600 का पी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 600। तो जो अभी इनका वैल्यूएशन चल रहा है वो भी बहुत महंगा है दोस्तों अभी। तो अभी इसका फेस वैल्यू देखिए 1, ये फ्यूचर में स्प्लिट तो नहीं बोनस दे सकता। और इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए यहाँ पे, FIIs 54.43%, DIIs 9.93%, और पब्लिक देखिए 33.56% यहाँ पे पब्लिक है दोस्तों। और अदर्स में देखोगे तो 2% अदर्स है यहाँ पे। तो अब देखिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे इन्वेस्टर शामिल है दोस्तों, और ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न देगी। और इनके रिजल्ट देखते हैं दोस्तों अभी हम। और अभी आप यहाँ पे जोमेटो के रिजल्ट देख सकते हैं, थोड़ा समय शीट को जूम कर लेता हूँ तो आपको भी यहाँ पे क्लियर दिख जाएगा। और अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने करोड़्स में डेटा दिखाया है। और अभी देखिए यहाँ पे जून 22, मार्च 23 और जून 23 का डेटा अवेलेबल है। तो टोटल इनकम जून 22 में किया था इन्होंने 1,582 करोड़ का बिजनेस, उसके अगेंस्ट मार्च 23 में किया 2,227 करोड़ का, और उसके बाद 2,597 करोड़ इस क्वार्टर में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे, ईयर ऑन ईयर देखोगे तो रेवेन्यू तो जंप कर ही रहा है इनका। तो अभी प्रॉफिट देखिए दोस्तों, यहाँ पे जून 22 में इन्होंने 186 करोड़ का लॉस बुक किया था, फिर मार्च 23 में इन्होंने 188 करोड़ का लॉस बुक किया, तो लॉस बढ़ गया थोड़ा सा। पर अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इस क्वार्टर में इन्होंने 2 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है दोस्तों। तो 2 करोड़ का अभी कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट को आ चुकी है ऐसा बोल सकते हो। 2 करोड़ इस कंपनी के लिए कुछ ऐसा बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, बस कंपनी अभी ब्रेक इवन पॉइंट को आई है इतना आप समझ लो। और ये कंपनी यहाँ से रन कर सकती है दोस्तों, और जब भागना ये स्टार्ट कर देगा एक बार दोस्तों, अगर अगले क्वार्टर में ये कंपनी और बड़ा प्रॉफिट दिखाती है तो इसको कोई नहीं रोक पाएगा, ज़बरदस्त रैली करेगा दोस्तों, आराम से 200-300 को ये क्रॉस कर जाएगा अगर ये शेयर अगले क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट पेश करता है तो। अभी तो ब्रेक इवन आया है तो थोड़ा सा और लोग वेट कर सकते हैं, पर और वेट करते करते उनको लग गया भाग जाएगा तो खरीदने लग गए तो ये शेयर भाग जाएगा दोस्तों, जल्दी ही 200-250 का लेवल ये क्रॉस कर देगा। जोमेटो अभी तो ब्रेक इवन पॉइंट को आया है, बहुत अभी यहाँ पे इसको काम करना है, कंपनी प्रॉफिटेबल करनी है और लॉन्ग रन यहाँ पे दिखाना है दोस्तों। अभी ये शेयर 86 रुपीज़ पे चल रहा है मगर बहुत महंगे पीई पे अभी भी ट्रेड कर रही है, आप सभी को पता। और न्यू एज कंपनी आगे चल के अभी इसको अभी तो मार्केट में आया सच बड़ा कॉम्पिटिटर यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, स्विगी यहाँ पे बड़ा कॉम्पिटिटर है मगर वो कंपनी अभी लिस्टेड नहीं है दोस्तों, वो भी कंपनी एक दिन ज़रूर अपना IPO लाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जोमेटो यहाँ पे 21 में आप देखिए 153 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से ये शेयर आप देख सकते हो 50 के भी नीचे आया था दोस्तों, और वहाँ से ये शेयर ऊपर निकल चुका है। आप देख सकते हो इसका 52 वीक लो है 44 रुपीज़ का, और 52 वीक हाई 88 रुपीज़ का। तो अपने हाई को ये अभी जल्दी ही क्रॉस कर देगा, 100 रुपीज़ के लेवल ये इस रिजल्ट के दम पे क्रॉस कर सकता है दोस्तों। तो जोमेटो पे आप अपनी नज़र बना के रख सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।